तुमरे सीरे शुमा बिमले शुमा बिमाले बनजरे बया बिमाले बनजरे बया नुमाले जुमाले बनजरे वमा हदले सीरे शुमा बिमले बश मल्ले बाबुले सीरे शुमा बिमले बश मल्ले। खुद को गिरने मत दें, आपने खुद को गिरने नहीं देना है। आप गिर गए तो कोई पांव रख के गुजर जाएगा आपके ऊपर से। गुजर रहे हैं लोग, गुजरते आए हैं। अपने आप को इतना स्किल्ड करें, इतना मुसल्ला करें कि हर महाज पे आप खुद लड़के जीत जाएं, किसी की बातों में ना आए। पहली पहली बारी मैनू नाई लेन आया, पहली पहली बारी मैनू नाई लेन आया, नाई दे नाल मेरी जांदी है भला, कुंड खोले न जाए मुंह बोले न जाए, कुंड चुके न जाए कुंड सुटे न जाए, कुंड चुके न जाए कुंड सुटे न जाए। नाई नी नाई बड़ा सुदाई, उत्ते लेस ते थले तुलाई, मैं दे नाल नहीं जाना नहीं जाना नहीं जाना नी मां मैं दिनल नहीं जाना। इंटरव्यूअर यासिर हुसैन, ये माइक यासिर हुसैन को दे ही रहा हूं। आप नहीं देते मैं छीन लेता उसे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? शर्ट बदल के आ गया हूं मैं, क्योंकि आज मैं आपको जिनसे मिलवाने जा रहा हूं, मैं खुद भी हमेशा चाहता हूं कि मैं उनसे मिलता रहूं, और जो भी उनसे मिलता है वो उसकी उम्र 10 साल कम हो जाती है, वो अपने आप को और यंग महसूस करने लगता है। उनके साथ बैठ के ऐसे लगता है जैसे आप किसी खूबसूरत बाग में बैठे हुए हैं। क्या ये ठीक नहीं है? दोनों चीजों ये होती है प्रोडक्शन। थैंक यू शाह साहब, दो दो माइक दे के जा रहे हैं। तो अब मैं आपके सामने उन्हें बुलाऊंगा, पाकिस्तान की एक ऐसी फनकारा जिन्होंने ड्रामों की दुनिया में ऐसे ऐसे काम किए और ऐसे ऐसे वक्तों में किए जब वो करने बहुत मुश्किल थे। आंगन टेढ़ा आपने देखा होगा, देखा है आप लोगों ने? बारात सीरीज देखी है आपने? ताके की बारात, डॉली की बारात, गाना भी गाती हैं, ड्रामे लिखती भी हैं और अदाकारा तो कमाल हैं। आपके सामने आ रहे हैं लिविंग लेजेंड बुशरा अंसारी जी। तालियां रुकनी नहीं चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। इस लड़के की आदत है हाथ पकड़ने की, हालांकि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि मेरा कोई हाथ पकड़े, मैं खुद चल पड़ती हूँ जहां मुझे जाना हो। जल्दी से मेरा हाथ पकड़ लिया, खुशी खुशी है। मतलब कोई मेरी उम्र है कि मेरा हाथ पकड़ लिया? नहीं, उम्र तो गले लगाने की थी लेकिन मैंने हाथ पकड़ा। हाँ, गले में लग जाती हूँ आराम से। अब सब भाई भाई, सब मुसलमान भाई भाई। कैसी है बुशरा जी? मैं ठीक हूँ और बहुत अच्छा लग रहा है मुझे ये सब देख कर के। हमारे यंग दोस्त यहाँ सब आए हुए हैं और अपने अपने मसाइल को समझते भी हैं और उसके बारे में सवाल भी कर रहे थे, बहुत अवेयर हैं हर चीज़ से। तकलीफ़ भी होती है क्योंकि ज़ाहिर है हमारे बच्चे अगर मुल्क के लिए, अपने अपनी कौम के लिए परेशान होते हैं तो उनकी परेशानी देख कर हमें भी दुख होता है। लेकिन बस ये है कि अल्लाह से दुआ कर सकते हैं और कोशिश कर सकते हैं, और ऐसे ही कोई वज़ीर आला मिल जाए तो उसको चिमट जाया करें और पूछ पूछ के सवाल अपने जितने भी हो वो कर लिया करें। क्वेटा में आई थी 86 में, इतने सालों बाद मैं क्वेटा आई हूँ। इतना महंगा टिकट था कि वो जोड़ जोड़ के मैं अब पहुंची हूँ यहाँ। हालांकि आप चाहती तो अपना प्लेन लेके आ सकती थी। हाँ, वो जो कागज वाला जहाज ना जो यहाँ से दूसरे बॉर्डर तक चला जाता। लेकिन बुशरा जी, कमाल ये है कि इतने बुरे हालात में भी और इतनी मुश्किलों में भी, इतने संजीदा हालात में भी, आप इस कदर कॉमेडी और आपके जो हिस्से मजा है उससे इतना मजा कराते हैं पूरे मुल्क को, ये क्या कमाल है? देखिये, ये तो हमारी जरूरत है।
कितनी भी तकलीफ हो, हमारी नींद पूरी ना हो, हमारा हमें बस ना मिले, गर्मी लग रही हो, बिजली का बिल हो, लेकिन जिंदा रहने के लिए सांस तो लेना पड़ता है ना। तो थोड़ा सा अगर आप इसी मसाइल से निकलने के लिए, अपने आप को बहलाने के लिए, सांस लेने के लिए मूड को लाइट रखें, तो मसले तो अपनी जगह हैं लेकिन मूड अच्छा हो जाता है। उषा जी, बिजली का बिल तो आपका आना ही नहीं चाहिए, आप तो खुद बिजली हैं। महंगी हो गई हूँ मैं, और बहुत महंगी, इतनी महंगी कि मेरे बिजली के आंसू निकल गए। उषा जी, कितना अरसा हो गया आपको अदाकारी करते हुए? अदाकारी तो नहीं, पहले गुलकारी थी, अब 10 साल की उम्र से आई, कोई 101 साल हो गए होंगे। बहुत साल हो गए। नाउ इट्स अ वे ऑफ लाइफ, समझे, आँख खोली तो टेलीविजन पे थी, उसके बाद से अब आँख बंद होने तक मैं कोशिश करूंगी कि टेलीविजन पे रहूं। अल्लाह आपको लंबी उम्र दे। आपने म्यूजिक बहुत कम कर दिया है, गा बिल्कुल नहीं रही आप। मैं आज हम आपको छोड़ेंगे नहीं, वैसे आज बुशरा जी को छोड़ेंगे नहीं। अरे तो कोई म्यूजिक वाला को ढोल ढमक का भी रखा होता ना फिर। अब ढोल ढमक्के की जरा यहाँ पे थोड़ी मोमानियत लगी मुझे, लेकिन जरूरत अच्छी आवाज को मेरे नहीं ख्याल साजिंदों की जरूरत होती है। चले देखेंगे, क्योंकि ये तो बच्चे तो बहुत पुरजोश किस्म के हैं, इनको तो कोई म्यूजिक वाली चीज ही अच्छी लगेगी। वो तो सोचते हैं क्या करें। पता है क्या होता है, जब ऐसा क्राउड होता है, जैसे हम यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस में बहुत जाते थे, अब जरा कम हो गया है, मैं थोड़ा कम जाने लगी हूँ, क्योंकि बच्चे बहुत ज्यादा वो तस्वीरें बहुत खिंचवाते हैं असल में। तो मैं अब कहती हूँ कि अच्छा भाई, अब नए लोगों के साथ खिंचवाएं, मैं थक गई। लेकिन हम तब म्यूजिकल शोज करते थे ना, तो म्यूजिक में बच्चे ज्यादा जल्दी इन्वॉल्व होते हैं, और फिर बैंड वैंड ये वो शोर शराबा, उसके अंदर बच्चे बहुत, मतलब यंग बच्चे उसके अंदर वो इन्वॉल्व भी होते थे, पार्टिसिपेट भी करते थे। तो बगैर म्यूजिक वाली तो गजलें गानी है, वो तो इन्होंने तो बोर हो जाना है। नहीं नहीं, आप, मैंने सुना है, मैडम सुना क्या, मैं तो वैसे ही सुना है कि मैडम नूरजहां को बहुत अच्छा गाती है। वो तो गा लेंगे पहले, और सुनाए बच्चों का क्या हाल है। नहीं अभी तो हम बातें करते हैं कुछ, क्या नहीं, बच्चों का हाल बिल्कुल ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। आपसे मिलना चाह रहे थे ये कल से, लेकिन आप आई आज, और सिर्फ एक दिन के लिए आप क्वेटा आई। एक दिन क्या, अभी तो मुझे एक घंटा भी नहीं मुश्किल से मिलना, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, अभी आपको बड़े बड़े अच्छे लोगों से मिलवाना है, मुशायरा भी है, थोड़ा सा आपका प्रोग्राम वक्त से थोड़ा लेट हुआ, मतलब काफी लेट हुआ, क्योंकि मुझे लगता है कि चीफ मिनिस्टर साहब के लिए पूरा एक दिन भी हो तो कम है, क्योंकि आप लोगों की इतनी लंबी डिस्कशंस थी, बहुत से सवाल थे, सो ये हमारा सेशन जो है वो थोड़ा डिले हो गया है। ये खिदमात भी इतनी है उनकी, वो अगर बताने जाएं तो फिर पूरा दिन गुजर जाता है। हाँ जाहिर है कि बहुत से सवाल अभी भी दिल में रह गए होंगे, तो हम तो वैसे ऐसे थोड़ा सा लश्कारा दिखा के चले जाएंगे, ताकि हम आपका टाइम जो है वो दूसरे लोगों को भी मिल सके। जी आजकल कौन से प्रोजेक्ट चल रहे हैं आपके? आजकल बड़ा ही बोर ड्रामा में, अभी नहीं कहना, जब चल जाएगा तो फिर बताऊंगी, अगलों का ड्रामा ही ना फेल हो जाए, मतलब जैसे कि आजकल होते हैं सास बहू, एक चुड़ैल अम्मा होती है, एक चुड़ैल सास होती है, पता नहीं वो वैसे कहाँ होती है, मगर वो ड्रामों में होती है, तो मैं भी इसी तरह के कर लेती हूँ, फिर जब 6 ड्रामों को जवाब दे के सातवां भी वैसा ही होता, तो फिर मैं कहती हूँ चलो फिर कर मरी लूँ। तो एक सीरियल कर रही हूँ जिसमें मैं एक बुरी सास हूँ, कि उसमें कोई नई बात नहीं है, लोग बनाते ही हैं। कम अज कम अच्छी बात है कि सच को तस्लीम भी कर रही है। हाँ मैं बड़ी दुखी हूँ। पूजा जी ड्रामा कैसा हो गया अभी? ड्रामा तो बहुत, ये ड्रामा तो असल में हमारी जिंदगी में एक्चुअली ड्रामा जो आया है ना, वो सबसे बड़ा ड्रामा है, हमारे मुल्क में, हमारी सियासत में, हमारे मसाइल में, हमारी जिंदगियों में इतना ड्रामा आ गया कि ये टेलीविजन का ड्रामा तो ऐसे ही हो गया है। मैं अभी जब हम एयरपोर्ट से आ रहे थे, तो बहुत मोहब्बत से हमें बहुत अच्छी सी गाड़ियों में बिठाया गया, और प्यार से हमें होटल तक पहुँचाना था, तो आगे से वो जा रही थी पुलिस की मोबाइल जो होती है जैसे। नहीं हाँ मैंने सुना आपको प्रोटोकॉल में लाया गया। हाँ मैंने कहा ये किस लिए भाई, तो उन्होंने कहा आपके लिए। मैंने कहा क्यों, मैंने तो कोई करप्शन नहीं की, मतलब सॉरी टू से, मैंने कहा मैं तो बुरा मनाती हूँ, मैं तो प्रोटोकॉल पसंद ही नहीं करती, क्योंकि मैं तो आप हूँ, आप और मैं एक हैं, हम तो खुद मजलूम हैं, हमें प्रोटोकॉल की क्या जरूरत है। तो मेरे तो आगे कोई जा रहा होता है ना कराची में भी, सॉरी टू से, कोई भी बडेरा या कोई भी बड़ा इंसान जिसको के प्रोटोकॉल मिलता है, मैं बहुत माइंड करती हूँ, मैं उसकी वो पी पी कर रहे होते हैं, मैं गाड़ी नहीं, मैं ड्राइवर से कहती हूँ इसको ना रास्ता देना। इसको लगा रहने दे, हमें तो पता ही नहीं, हमने सुना ही नहीं है,
इसको क्यों रास्ता दूं? अगले साल ये घास चोरी के केस में जेल में होगा, मैं तो इधर ही हूं, वो तो जेल में होगा। है तो बहरहाल वो ये चीजें हमारी जिंदगी के ड्रामे जो है वो टेलीविजन के ड्रामे से कहीं बड़े हैं। आप लिख रही हैं अभी कुछ? मैं आजकल नहीं लिख रही थी 4 साल से, क्योंकि मैं ये नहीं लिखना चाहती जो हो रहा है। मैं शायद कुछ थोड़ा अनोखा लिखना चाहती थी जो मैंने कुछ लिखा। मैंने 11 सीरियल लिखे, 50 से ज्यादा टेलीफिल्म लिखी, कॉमिक भी और सीरियस भी। अब मैंने कहा चलो वही फिर जो हो रहा है उसके साथ चुप करके चलो, नहीं तो फिर घर बैठ जाओ। ज्यादा मजा आपको कॉमेडी करने में आता है? हाँ मजे की होती है ना, याद है सायमा चौधरी कितने मजे की है। आजकल आप यूट्यूब पे भी आ गई सायमा चौधरी। मैं यूट्यूब, हाँ मैं 3-4 महीने से यूट्यूब पे। और सायमा चौधरी क्या कहती है, वे मेरा चैनल सब्सक्राइब करो वे। तो उसमें मैंने थोड़े से अपने बनाए हैं सायमा चौधरी के, लेकिन ओवरऑल मुझे लगता है कि लोगों से डायरेक्टली मैं, मेरा जब से रापता हुआ है तो ज्यादा अच्छा लग रहा है मुझे। यूट्यूब बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म मिल गया है और यूथ को भी बड़ा अच्छा एक मौका मिल गया है जो भी इस फील्ड में कुछ करना चाहते हैं। आपने भी यूट्यूब ज्वाइन किया, तो क्या फर्क नजर आ रहा है आपको? टेलीविजन और यूट्यूब के लोग अलग है, व्यूअर्स अलग है? मुझे जरा मुश्किल से ये समझ में आया, या मुश्किल से मैंने एक्सेप्ट किया, क्योंकि ये इस जनरेशन की चीजें हैं। इंस्टा पे भी बहुत देर में आई, फिर गलती भी कर दी कभी, किसी को जवाब भी दे दिया, मुझे क्या पता नहीं देते जवाब, तो फिर पता चला कि बुरी बात है। लेकिन अच्छी चीज है, और फिर ये समझना पड़ रहा है कि लोगों से डायरेक्टली रबते में रखने में अच्छा भी लगता है, लेकिन एक बहुत एक्स्ट्रा काम है ये। और हम लोग जो एक्चुअल काम करते हैं ना, हमारी उस भी कंडीशनिंग हुई भी है, तो मुझे तो लगता है पता नहीं कितने दिन मैं चलूंगी, मैं भागे ना जाऊं उससे कहीं। आपको पता है आप और करीना कपूर एक साथ आए हैं इंस्टा पे? अच्छा, तो उसका और मेरा इसका मतलब है उम्र का कोई फर्क नहीं है ना, क्या पता मैं ही 4-5 घंटे छोटी हूँ। नहीं बाकी आप इंस्टाग्राम पे काफी एक्टिव हैं। अब हुई हूँ जरा। हाँ, वो भी काफी काफी जंगे भी लड़ी हैं आपने उसको। हाँ बस वही तो कहा ना, पहले आता ही नहीं था कुछ भी ना, किसी को जवाब दे दिया। मेरी बेटी ने कहा अम्मा इसको जवाब नहीं देना, मैं समझी कि सिर्फ वो ही देख रही है ना जिसने मुझे कहा था कि मैं 80 साल की हूँ। मैंने कहा तुम्हारी अम्मी 16 साल की है, तो मैंने समझा कि उसने पढ़ा होगा, पता चला सबने पढ़ लिया। आपने वॉल पे लिख दिया। मुझे क्या पता जवाब नहीं देते, सुहेल को भी नहीं पता कि जवाब नहीं देते, फिर मैं चुप कर गई। अब चाहे मेरे को 100 साल का कहे, हम कहते कोई बात नहीं। बुजरा जी बचपन से ही आपको इसी काम का शौक था? बचपन से तो खैर क्या, बच्चे बहुत कुछ समझते हैं कि हम ये बन जाएंगे या हम यो कर लेंगे, पता थोड़ी होता कि क्या हम कर सकते हैं और हम क्या नहीं कर सकते। मैं समझती थी मैं सिंगर बनूंगी, मेरे ख्याल से कि मैं तो नूरजहां की तरह ही गाती हूँ और मैं तो फिल्मों में गाने गाऊंगी बस, मुझे क्या पता ये मुश्किल काम है और मुझे इजाज़त भी नहीं मिलेगी घर से, तो पकड़ो मुश्किल से तो टीवी की इजाज़त मिली थी तो उस वक्त। लेकिन आँख खुली तो पता चला कि यही सब कुछ आता है, लोगों ने बताया मतलब कि ये सब कुछ आता है, तो ये करती चली गई फिर। अवार्ड्स वगैरह आपने तो माशाल्लाह धूम मचाई, आपको इंडिया से भी ऑफर आए फिल्मों की? हाँ जरा देर में आई, जब मैं जरा बड़ी हो गई थी, जिस वक्त मैं यंग थी तब आती भी तो मैं कर नहीं पाती। लेकिन बहरहाल अक्षय कुमार की अम्मा का रोल ऑफर हुआ था, तो किसी ने कहा कि लो इतने बड़े आदमी की अम्मा, तो मैंने कहा नहीं तो चलो कोई बात नहीं, घंटा को मैं ही छोटी होंगी फिर क्या हुआ। वैसे आप लोग देखना चाहते हैं गुलशन सारी को अक्षय कुमार की अम्मा के रूप में? अच्छा वैसे यहाँ कितने लोग हैं जो अदाकारी का शौक रखते हैं? खवातीन में से ज्यादा हाथ उठ रहे हैं मर्दों के निस्बत। और कितने लोग हैं जो गुलुकारी का शौक रखते हैं? वेरी नाइस। देखिए कोई भी टैलेंट हो करना चाहिए, जो आपके अंदर हो पेंट करें आप बेशक, बल्कि मैं तो कहती हूँ जो फिजिकली आजकल जैसे जिम करते हैं या योगा करते हैं या फिटनेस के लिए, तो वो भी एक बहुत अच्छी एक्टिविटी है एक्स्ट्रा। तो कोई भी ऐसा मशगला हो आपको इधर उधर से मसाइल से निकालने के लिए, वो आपकी हेल्थ के लिए भी अच्छा है। लिखें, शायरी करें, म्यूजिक करें, जरूर कुछ ना कुछ ढूंढें अपने अंदर से तो मिल जाएगा। हेलो हेलो। अच्छा जितने लोगों ने यहाँ अभी अदाकारी और गुलुकारी के लिए हाथ उठाए थे, उनमें से कितने लोग हैं जो घर बताएंगे तो उनको इजाजत भी मिल जाएगी? हाँ मिल जाएगी, लड़कों को ना। हाँ थोड़े कम हो गए। लड़कियां भी हैं। पूछो जी, आपने जब बताया अपने अब्बा को ये मुझे टीवी में काम करना है तो क्या रिएक्शन आया? नहीं मुझे तो, मैं तो बच्चों के प्रोग्राम में गई थी ना फ्रॉक पहन के इतनी सी, तो मेरी अम्मी ही मुझको ले रही थी,
तब इजाजत का इतना मसला मेरी एज में नहीं था, जब थोड़ी बड़ी हुई तो फिर उन्होंने कहा कि बस सब दादी दादा ने कहा कि नहीं नहीं टीवी पे नहीं जाना, बैठ जाओ। तो फिर बच्चों के प्रोग्राम से के बाद नहीं किया कुछ अरसे, फिर बाद में जब जोरा और बड़ी हुई तो फिर मुश्किल से कहीं बच्चों के प्रोग्राम ही की इजाजत मिली। अच्छा, आपने बड़ी यंग एज में आपने जैसे आंगन टेढ़ा में एक रिटायर्ड ऑफिसर की बीवी का यानी एक एजेड औरत का किरदार अदा किया। आजकल मैं देखता हूँ कि अगर किसी खातून को कोई ऐसा किरदार दे दिया जाए जिसमें उसका एक छोटा सा बच्चा है या उसके दो बच्चे दिखाने हैं तो अमूमन एक्ट्रेसेस मना कर देती हैं, ऐसा क्यों है? एक्चुअली आंगन टेढ़ा जब मैंने किया था मैं 27 साल की थी शायद, और हमारे जमाने में टेलीविजन एक बहुत रियलिस्टिक मीडियम था। हमारे जो रोल मॉडल्स थे वो उज़्मा गिलानी थी, रूही बानो थी, वो कोई वो हीरोइनी टाइप नहीं थी जो प्रिटी होती हैं जिनकी ग्रीन आंखें थी गोल्डन बाल थे, नहीं, हम उनको आइडियलाइज करते थे, वो कैरेक्टर्स करती थी। तो हमारा ख्वाब तो ये था कि हम कुछ ऐसा करें जो चौंका दे, तो उस वाले से तो कभी महसूस नहीं, और ये तो कुछ भी नहीं, मैं तो राहत काजमी की दादी बन चुकी हूँ। नहीं, मैं बड़ी अच्छी बनी थी, टोपी वाला बुरका था, सफेदा लगा हुआ था। तो ये चैलेंजेस होते हैं और ये बड़े अच्छे लगते हैं। आजकल खवातीन भाग रही हैं चैलेंजेस से, उस वक्त भी भागती थी। अच्छा, मैं तो उस वक्त भी तौकीर नासिर की अम्मी बन गई थी जब वो मेरे से थोड़े से छोटे होंगे 2 साल। तो हमारे उस वक्त भी ये चीजें नहीं होती थी। कभी साहब जब इतने जवान थे तब वो पता नहीं जेबा के ससुर बन गए थे, जेबा साहिबा जो है मोहम्मद अली साहब की वाइफ। वो वक्त रियलिस्टिक था, उस वक्त लोग कैरेक्टर्स करना चाहते थे। हीरो की तो एज कम होती है, हीरोइन की भी कम होती है, तो हम तो वो मटेरियल ही नहीं थे। ना मेरी शक्ल अच्छी थी, ना मेरा फिगर था, ना मेरी आंखें। सुन रहे हैं आप, वो कह रही है मेरी शक्ल अच्छी नहीं थी, मतलब वो जो हीरोइंस की होती है। तो मुझे कोई ऐसी खुशफहमी, वो वहां सीटी बजाई किसी लड़के ने ये तो बच्चे हैं ना ये देखे ये तो किसी के कबूतर उड़ रहे हैं मुझे लग रहा है। अच्छा पूजा जी, आपका अपना फेवरेट कैरेक्टर कौन सा है जितने आपने किए? बस किस्मत अच्छी थी कि कुछ कैरेक्टर्स मिल गए, अब तो नहीं बनते वैसे कैरेक्टर्स। आंगन टेढ़ा के अलावा मैंने बिजली किया, तो वो भी ऐसे कैरेक्टर जो नाम से याद रह गए कुछ थोड़े से। फिर मैंने सलमा आगा, मसरत नज़ीर, नूरजहाँ, उनकी पैरडीज का जो सिलसिला किया था, इससे पहले कभी नहीं हुआ था पाकिस्तान में। तो कॉमेडी की वो एक अलग शक्ल थी, क्योंकि आमतौर पर कॉमेडियन जो खवातीन थी या तो वो मोटी होती थी या वो सांवली होती थी या वो कुछ भी ऑड लुकिंग होती थी, तो मैं विदाउट ऑड लुकिंग मुझे परफॉर्मेंस का मौका मिलता था। तो वो पैरडी एक नई चीज़ थी जो मैंने की थी। फिर मैंने सीता बागड़ी एक हिंदू औरत का कैरेक्टर किया था। फिर मैंने बिल्किस कौर में एक सिखनी का रोल किया था, बहुत अच्छा था। फिर ये सायमा चौधरी का किया था। ऐसे करके कुछ चीज़ें हाथ आ गई थी, अब वो नहीं होती। आप लोगों का कौन सा फेवरेट कैरेक्टर है बुशरा जी का? वो बिजली गई, सायमा चौधरी। बिजली या सायमा चौधरी? अच्छा बिजली, बिजली मेरे ख्याल में अब आपने बहुत अच्छे से किया, नहीं पैदा ही भी नहीं हुए थे उस वक्त हुआ था ना लेकिन बिजली आपको अपने YouTube पे दोबारा करना चाहिए बुशरा जी, क्योंकि हालात तो वही है। बिजली में क्या कहती थी बिजली? वैसे बिजली को जैसे बिजली के तो अनवर साहब ने लिखा था ना बिजली, उस वक्त एक बड़े मजे की बात थी। तो बिजली से वो पूछते हैं कि आपको कौन लोग बुरे लगते हैं, बिजली से अनवर साहब पूछते हैं, तो वो कहती है मुझे बल्ब बहुत बुरे लगते हैं। बल्ब? वो कहते क्यों? इसलिए कि वो जलते हैं ना मुझ से बात तो सही है, बल्ब बिजली से ही जलते हैं। सो इस तरह का बड़ा मजे का सैटायर ओरिएंटेड उनका काम था। सायमा चौधरी में भी आपने बड़ा मजा उठाया उसका। बस वो तो एक आपको पता है लाउड सी ओवर सी फैसलाबाद की एक डिजाइनर खातून थी जो हर लोगों के आसपास कोई ना कोई सायमा चौधरी होती है। अच्छा पूछा जी, म्यूजिक सीखा है आपने? कह नहीं सकते, लेकिन बहुत से लोगों के पास बैठी सूंघा सुना सुना बहुत सुना है। मैडम नूरजहां को आपने जाके गाना सुना दिया था? एक दफा थोड़ी सुनाया। अच्छा हाँ, मैं तो बैठ जाती थी उनके पास, उनको याद नहीं रहते थे ना गाने, कभी उतने हजारों गाती थी। तो फिर मैं उनको कहती थी फलां गाना, कहती थी किस तरह करके, तो मैं वो सुना देती थी। तो उज़्मा आपा, उज़्मा गिलानी मुझे कहती है कि तुम्हारी जरूरत है, तुम उनके सामने उनके गाने गा रही हो। मैंने कहा आया है, तो वो मुझे कह रही है, तो मैं क्या करूँ ना। तो ये मेरा समझे बचपना ही था उस वक्त कि मैं उनके सामने उनके गाने गा रही थी। बुशरा जी कोई हमें भी सुना दे उनका गाना। मैडम का गाना बगैर म्यूजिक के क्या सर। अच्छा चले एक काम करते हैं, ऐसा एक गाना गाते हैं जिसमें आप लोग का क्लैप होगा, तो हम उसको रिदम बना लेंगे, ठीक है? और मैं करती हूँ कोशिश, क्योंकि अब मैं आई हूँ तो अब मैं मुंह से आग तो निकालूंगी
पहली पहली बारी मेनू नाई लेने आया, पहली पहली बारी मेनू नाई लेने आया, नाई ते नाल मेरी जांदी है भला, कुंड खोले न जाए, मुंह बोले न जाए, कुंड चुके न जाए, कुंड सुटे न जाए, कुंड चुके न जाए, कुंड सुटे न जाए, नाई नी नाई बड़ा सुदाई, उत्ते लेस ते थले तुलाई, मैं ते नाल नहीं जाना, नहीं जाना, नहीं जाना नी मां, मैं ते नाल नहीं जाना। दूजी दूजी वारी मैनू द्योर लेने आया, दूजी दूजी वारी मैनू द्योर लेने आया, द्योर दे नाल मेरी जांदी है भला, कुंड खोले न जाए, मुंह बोले न जाए, कुंड चुके न जाए, कुंड सुटे न जाए, कुंड चुके न जाए, कुंड सुटे न जाए, द्योर नी द्योर दिल दा चोर, उत्तों होर ते विच्चों होर, मैं दे नाल नहीं जाना, नहीं जाना, नहीं जाना नी मां, मैं दे नाल नहीं जाना। तीजी तीजी वारी मैनू जेठ लैण आया, तीजी तीजी वारी मैनू जेठ लैण आया, जेठ दे नाल मेरी जांदी है भला, कुंड खोले न जाए, मुंह बोले न जाए, कुंड चुके न जाए, कुंड सुटे न जाए, कुंड चुके न जाए, कुंड सुटे न जाए, जेठ नी जेठ बड़ा सारा पेट, मारो सुई ते पाड़ो पेट, मैं दे नाल नहीं जाना, नहीं जाना, नहीं जाना नी मां, मैं दे नाल नहीं जाना। चौथी वारी बाबू आप लैण आया, चौथी चौथी वारी बाबू आप लैण आया, कुंड खोले भी जाए, मुंह बोले भी जाए, कुंड चुके भी जाए, कुंड सुटे भी जाए, लहंगा चुके भी जाए, कुंड सुटे भी जाए, कुंड चुके भी जाए, कुंड सुटे भी जाए, बाबू नी बाबू कर ले काबू, मैं दे नाल जावांगी, जावांगी, जावांगी नी मां, मैं दे नाल जावांगी। हाय नी मां मैनू टोर दे, नहीं हाय नी मां मैनू टोर दे, नहीं हाय नी मां मैनू टोर दे। ये फोक है। अब भाई म्यूजिक होता तो मैंने एक घंटा भी नहीं उतरना था यहाँ से। क्या बताऊँ, मैं कहा म्यूजिक होता तो मैंने एक घंटा भी नहीं उतरना था यहाँ से, ना मैंने अदनान सिद्दीकी को आने देना था, ना मैंने सुहेल को चढ़ने देना था, ना मैंने यासिर को जाने देना था। क्या करें, वैसे गाना तो आप बहुत अच्छा गाते हो, मैं देखा आपकी फैमिली में सभी अच्छा गाते हैं। बस ये मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट है। सबको शौक है, मतलब ये जो नए आने वाले लोग हैं जो म्यूजिक में, या आप थोड़ी बात तो करेंगे ना यार, तो आतिफ असलम को थोड़ी बात करेंगे। शुमा बिमले अगले सीरे, शुमा बिमले बाबूले सीरे, शुमा बिमले तूले सीरे, शुमा बिमले, शुमा बिमले बनजरे बया, बिमले बनजरे बया, जुमाले जुमाले बनजरे वमा, हदले सीरे, शुमा बिमले बश मल्ले, बाबूले सीरे, शुमा बिमले बश मल्ले। देखो मुझे अफसोस है कि मुझे पूरा याद नहीं, मतलब ट्यून याद है, बोल याद नहीं है, सिंधी भी आता है गाना, बंगला भी आता है, फारसी भी आता है, फारसी सुनते हैं, बाजे तबला ही रख लेते जरा। अच्छा मुझे खानम गुगुश बहुत अच्छी लगती है, जानते हैं गुगुश, मन ओ मदिहा वही वही, मन ओ मदिहा पेश फरियाद कुनार, मन ओ मदियों खिनो सुन याद कुनार, मन ओ मदिहा वही वही, मन ओ मदिहा पेश फरियाद कुनार, मन ओ मदियों खिनो सुन याद कुनार, मन ओ मदिहा ओ बड़ा सुना मैंने। इश्काम दुखी मिजो बे सहरो ये दिलाम, इश्काम दुखी मिजो बे सहरो ये दिलाम, जंजीर वफा भी कदरी जज्बो ये दिलाम, इश्क अगर भी फरियाद दिले माना रसा, ही वो है दिलम, वो है दिलम, वो है दिलम, मन
ओ मदीना वोई वोई मन ओ मदीना इश्क यहोद कुना मन ओ मदियों की नोज मुन यहोद कुना मन ओ मदीना वो अफसोस अगली बार आऊंगी तो अपना ढोल ढमक का लेके आऊंगी. अच्छा बिच्चियां दा मेरी चाल वेंदा ए चीरे वाले वेखदा वे मेरा लौंग बच्चा निगाह मारदा वे मेरा लौंग बच्चा पिछे पिछे आंदा मेरी चाल वेंदा ए चीरे वाले वेखदा वे मेरा लौंग बच्चा निगाह मारदा वे मेरा लौंग बच्चा काली काली आई सी बेटालिया देठनी गड्डिया सिकुंड में आवाज सुन जेठ दी आवाज सुन जेठ दी काली काली आई सी बेटालिया देठनी गड्डिया सिकुंड में आवाज सुन जेठ दी आवाज सुन जेठ दी मैनू पक मैनू शक पैंदा मेरी नक चो फुड़क के डिग गया हुण भूए पाए वे मेरा लौंग बच्चा निगा मार निगा निगा मार दाए वे मेरा लौंग बच्चा पिछे पिछे आंदा मेरी चाल वेंदा चीरे वाले अवे खुदाए वे मेरा लौंग बच्चा निगा मार दाए वे मेरा लौंग बच्चा. वो कह रहा पश्तो 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 सुनेंगे आप लोग. इसने रेडियो लगाया था ना. बदे बड़ा के अब गड़े बड़े जीना शनिवारी लावंगीना शनिवारी लावंगीना बेताला बजा रहा है. बदे बड़ा के अब गड़े बड़े जीना शनिवारी लावंगीना शनिवारी लावंगीना पदे बाड़ा के उबगरे वडे जीना शनिवारी लावंगीना शनिवारी लावंगीना वे कटोल जहां जनान जना शनिवारी लावंगीना शनिवारी लावंगीना कटोल जहां जनान जनान शनिवारी लावंगीना शनिवारी लावंगीना जमा जानान पिशा जाना बचर तवीना शनिवारी लावंगीना शनिवारी लावंगीना जमा जानान पिशा जाना बचर तवीना शनिवारी लावंगीना शनिवारी लावंगीना. वाह क्या बात है बुजा जी. वक्त खत्म हो गया. बिल्कुल वक्त तो बहुत थोड़ा है. सिंधी और बंगाली गाना तो रह गया. सिंधी बस बस बंगाली से सीख के बड़ा मुश्किल है. वैसे सिंधी हो जाना चाहिए. नहीं नहीं अरे बस सच्ची में एक तो ये माइक जो है ना ये सिर्फ वजीर आला की तकरीर के लिए था. गाने के लिए नहीं था सच्ची बता रही. या इसमें अजान भी दे सकते हैं. गाने वाला नहीं है ये. लेकिन आपने बड़ी बात है इसी माइक में उन्होंने आपको इतना एंटरटेन कर दिया. नहीं, मेरा बहुत सारी तालियां बजाए बुर्जा जी के लिए. आप लोगों का प्यार मेरा दिल चाह रहा है कुछ करने को. अब क्या करूं मुंह से सेवन अप का ढक्कन ही खोल सकती हूं. ऐसे करके बुर्जा जी वक्त खत्म हो गया. बहुत सारी बातें और बहुत सारे गाने अभी रह गए हैं. जाते जाते इन लोगों को जितने हाथ खड़े हुए थे जो इस फील्ड में काम करना चाहते हैं या किसी भी और फील्ड में जो काम करना चाहते हैं. देखिए ऑन अ सीरियस नोट जो मिनिस्टर साहब अभी कहकर गए हैं अल्लाह करे ऐसा सब हो जाए और वो कर रहे हों क्योंकि अब कुछ करना पड़ेगा. अब कुछ करना ही पड़ेगा. करना ही चाहिए होना ही चाहिए. और हम जब कहते हैं ना हम देखेंगे तो वो हम कब देखेंगे
हम अब देखना चाहते हैं। कम से कम मैं अपनी जनरेशन की तरफ से तो बहुत माफी मांगना चाहती हूँ आप लोगों से, क्योंकि हमारी जनरेशन ने बहुत गड़बड़ की है, बहुत गड़बड़ की है। लेकिन हम आप लोगों के चेहरों पे उम्मीद, खुशी, सुकून और आगे बढ़ते हुए आपको देखना चाहते हैं। सो आप लोग जरूर अपनी मेहनत कोशिश करते रहें। मैं एक बात अब कहती हूँ, बहुत सारी बातें लोग करते हैं, बहुत कुछ सुनते हैं आप लोग भी, लफाजी सुन सुन के हमारे कान में से भी बस क्या बताएं। सिर्फ इतना कहूँगी, इंडिविजुअली अगर आप अपनी सेल्फ को, अपनी सेल्फ को, अपने आप को मजबूत बनाएं, लड़कियाँ भी और लड़के भी, कुछ भी होता रहे, कुछ भी होता रहे, वो भी लोग थे जो लालटेन के नीचे पढ़ते थे। मैं इसलिए नहीं कह रही कि मैं थोड़ी प्रिविलेज हूँ, मैं भी बस में स्कूल जाती थी, दो बसों से लटक के जाती थी, धूप में चल के बस स्टॉप जाती थी, और उसी चीज़ ने मुझे अब तक चलाया है। वो बड़ी मजबूती की चीज़ है, आई एम सो प्राउड ऑफ इट, कि मेरे अब्बा कहते थे वो बस उसकी है, वो बस उसकी, वो बस उसकी, और हमने वो टफ टाइम देखे। लेकिन जिंदगी टफ से टफ होती जा रही है, खुद को गिरने मत दें, आपने खुद को गिरने नहीं देना है। आप गिर गए तो कोई पांव रख के गुजर जाएगा आपके ऊपर से, गुजर रहे हैं लोग, गुजरते आए हैं। अपने आप को इतना स्किल्ड करें, इतना मुसल्ला करें कि हर महाज पे आप खुद लड़के जीत जाएं, किसी की बातों में ना आए। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया बुशरा जी। हमारी दुआ है कि अगले 50 साल भी आप हमें ऐसे एंटरटेन करते रहें, और अगली दफा मेरे साथ बैंड लेके आऊंगी। अच्छा, हाँ, अगली दफा इंशाल्लाह बुशरा जी बैंड के साथ आपके सामने आएंगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बत का, ख्याल रखिए, लव यू ऑल, थैंक यू। आइए बुशरा जी, मैं समझी कह रहे हैं यहां से कूद जाएं। वो कह रहे हैं कमिटमेंट करें कि आप दोबारा कोटा आओगे, पहले आप कमिटमेंट करें कि मुझे सही टाइम देंगे आप और बैंड लेकर आएंगे। अच्छा, खाली हाथ बुला लिया मुझे। जरूर इंशाल्लाह, कमिटमेंट हो गई इंशाल्लाह, नेक्स्ट टाइम बैंड के साथ। बच्चे, इतने प्यारे बच्चे, इतनी प्यारी यूथ है, तो क्यों नहीं आऊंगी, जरूर इंशाल्लाह। आइए एक तस्वीर हो जाए, अगली दफा जॉगर्स पहन के आऊंगी। हमारा आज का अगला सेशन है द क्रिएटिव जर्नी ऑफ अदनान सिद्दीकी।